ये जो सामने आप देख रहे हैं यही आला मंच है। नहीं लगी यार। युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान राजा परमाल के बीच। हाँ हाँ, चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी हम वीरों की भूमि महोबा में स्थित हैं और सुबह सुबह का समय है, अभी सूरज नहीं निकला है। बहुत ही जल्दी जो है हम लोग उठकर यहाँ आ गए, क्योंकि हमें जो है आज ही वापस जाना है। तो हमने सोचा आज जो भी जगह हो सकती हैं वो सुबह सुबह कवर कर ली जाएँ। तो अभी हम यहाँ कीर सागर को देखने आए हैं, जो कि राजा कीर्ति वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए, यहाँ सब कैसा है, क्या कुछ है, वो सब आपको दिखाएंगे। बने रहिए ब्लॉग में, चलिए चलते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं यही मेन एंट्रेंस गेट है। यहीं से आप जो है जब आप कीरत सागर घूमने आएंगे तो इसी गेट से जो है अंदर आएंगे। और ये महोबा के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल सूर्य मंदिर का यहाँ पर ये फोटो बना हुआ है। देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार प्राचीन स्मारक कीरत सागर। चलिए अंदर चलते हैं और भी सब आपको दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर। और यहाँ पर ये देखिए बोर्ड है, इस पर पूरी जो है हिस्ट्री इस तालाब से संबंधित लिखी हुई है। इस झील को जो है राजा कीर्ति वर्मन ने बनवाया था। ये जो सामने आप देख रहे हैं यही आला मंच है, इसी को आला मंच कहते हैं। कहते हैं इसको राजा परमादी ने आल्हा और जो उदल उनके जो वीर सेनापति थे उनके यहाँ पर बैठने और मनोरंजन के लिए इसको बनवाया था यहाँ पर। चलिए आगे भी चलकर आपको दिखाते हैं। जिन लोगों को होटल वगैरह नहीं मिलते हैं वो रात में आकर यहाँ जो है आराम से अपने लेटते हैं बिस्तर उस्तर लगाकर। अभी सर्दियों का समय है, सुबह सुबह काफ़ी ठंड भी हो जाती है। ये है प्रसिद्ध आला मंच। भैया क्या है, आला मंच है? अच्छा, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से। और पूरी बिल्डिंग जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है पत्थरों का बना हुआ है। इसकी जो छत है वो गिर गई है, देखिए आप, कोई ईंट नहीं है, प्योर पत्थरों को तराश कर इसके स्तंभ वगैरह बनाए गए हैं। इसकी छत सब पत्थरों से बना हुआ है और इसकी जो ऊपर की छत थी वो गिर गई है। और सुबह सुबह लोग यहाँ आते हैं, योगासन वगैरह करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर जगह है। सही है, देखिए लगाओ, किक लगाओ बेटा। वाह, नहीं लगी यार। तो ये प्रसिद्ध आला मंच है। कभी यहाँ आल्हा उधल बैठ के जो है इस सरोवर का आनंद लेते होंगे, यहाँ से देखते होंगे। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं इस ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक कीर्ति सागर, जिसको राजा कीर्ति वर्मन ने 1060 से 1100 के मध्य जो है इस झील को बनवाया था। ये झील जो है करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस क्षेत्र में पानी की काफ़ी कमी थी, इसलिए उस ज़माने के जो राजा महाराजा थे तो वो जो है ऐसी झीलों का निर्माण जो है अपनी प्रजा के लिए करवाया करते थे। इस झील के देखिए उस तरफ भी पहाड़ है और एक दूर उस तरफ भी एक पहाड़ी दिख रही है और एक पहाड़ी इस तरफ है, वो आप देख रहे होंगे शायद वहाँ पर मंदिर या मज़ार शायद बनी हुई है। और अब तो यहाँ काफ़ी काई और गंदगी है, इसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता। जो लोग आते हैं, देखिए ये समस्या आपको मैं हर जगह बताता हूँ, हर जगह दिखाता हूँ। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए जहाँ भी जाइए वहाँ ये प्लास्टिक पन्नी ऐसी चीज़ों को जो है, दर्शनीय स्थल है उसकी ये हालत कर रखी है। ये घाट भी राजा कीर्ति वर्मन के द्वारा उसी टाइम का बनवाया हुआ है और यहाँ मंदिर बने हुए हैं। और कहते हैं यहाँ पर एक ऐतिहासिक सुप्रसिद्ध जो है युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और राजा परमाल के बीच में, और इस युद्ध में आल्हा उदल ने भी भाग लिया था। शायद 1164 या 62, आई थिंक मैं करेक्ट नहीं हूँ, आप गूगल जाकर चेक कर लीजिए। तो 1164 है शायद, उसमें जो है यहाँ पर ये युद्ध हुआ था।
तो जिस दिन ये युद्ध हुआ था उस दिन रक्षाबंधन का दिन था, तो इसीलिए उसी की याद में यहाँ के जो लोग हैं वो कजरी महोत्सव जो है रक्षाबंधन के दिन जो है मनाते हैं। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये जो है कीरत सागर का जो है पूर्वी बांध है, यहीं पर जो है बताते हैं पृथ्वीराज चौहान और राजा परमाल के बीच जो है बहुत भीषण युद्ध हुआ था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मैदान ये दूर तक फैला हुआ, अब तो यहाँ इधर दीवार बनी है, नीचे तक जो है यहाँ कभी जो है सेनाएँ भिड़ी होंगी यहाँ कर। और ये बरगद देखिए आप कितना विशाल और कितना प्राचीन है, ये टूट टूट कर ऊपर से गिरने लगा है। अब तो जो है इस तालाब का पानी जो है काफ़ी वैसा हो सकता है सुबह का समय इसलिए मुझे काला काला लग रहा हो, लेकिन यार इसमें प्लास्टिक पॉलीथीन बहुत पड़ी है। देखिए उधर नावें खड़ी हैं, अगर जो लोग इसमें बोटिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो उनके लिए उधर देखिए नाव खड़ी हैं। कुत्ता जो है हाव भाव देख कर जो है समझ रहा है कि हाँ ये व्यक्ति जो है मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। देखो देखो ये बेटा चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, हाँ हाँ चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। कुत्ता बहुत शानदार है आपका फिलहाल, मतलब जो मोहबाग चेयरमैन है उनका कुत्ता है ना क्यों भैया, यहाँ के चेयरमैन जो है डॉक्टर संतोष चौरसिया। अच्छा अध्यक्ष, ये सामने जो व्यक्ति दिख रहा है यार ये काफ़ी देर से चेस कर रहा है, इसकी हटी हुई है जन क्या है। कुत्ता समझ गया शेरू, समझ गया शेरू, छोड़ दिया तो नोच जाएगा शेरू। यहाँ पर सामने आई लव महोबा लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। ये चिढ़ा रहा है तुम्हें, मारे इसको। ये हमें भी तो ना दौड़ने लगे यार, पकड़े रहना ठीक है। वो नहीं दौड़े, ये ना गुस्सा कर रहा है उसको। हाँ हाँ हाँ, समझदार कुत्ता है भाई, समझदार रोगी है भाई। परेशान कर दिया यार उस लौंडे ने वहाँ पे यार। चलो ऊपर भी वहाँ आ जाओ, वो वहाँ चल के देखें, चल के आप है ना वहाँ से वीडियो अच्छी बनेगी। वो उनकी गड़ी है केवल, कौन सी उधर जगह कौन सी, बारीगढ़ है क्या है? बारीगढ़ नहीं, सुपा के बगल में है वो लाल पो, जहाँ परमानेंट मतलब आला उधर रहते थे। हाँ वहीं पर रहते थे। अच्छा बगल पे वहीं से स्टेशन के बगल से रोड टूटा हुआ है, हम भी वहाँ पर गए हुए थे। कहाँ पे? वहीं पर आला उधर का किला देखने। अच्छा ये सुपा के पास में एक गाँव है वहाँ। ये भैया हमारे बता रहे हैं कि वो सामने वो जो है पहाड़ की जो चोटी दिख रही है वहाँ जो है जो ताला सैयद थे उनकी मजार है, वो भी चल के आपको दिखाएंगे। ताला सैयद जो कि आला उदल के गुरु थे, तो उन्हीं गुरु थे यार, उनके आला उदल के गुरु थे, उन्हीं ने तो उन्हें सैनिक गुरु, अरे तुम समझ ही नहीं रहे कैसे गुरु तो बहुत प्रकार के होते हैं, सैनिक गुरु थे मतलब उनको सैनिक जो सैनिक तलवार उलवार जिस सब जो शिक्षा दीक्षा दी थी वो जो है ताला सैयद ने ही दी थी यार। गुरु तो बहुत तरीके के हो सकते हैं ना, हाँ युद्ध गुरु मतलब युद्ध कौशल सिखाने वाले गुरु थे उनके। तो वो मजार भी चल के देखेंगे, वो सामने आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, जो पहाड़ दिख रहा होगा इसी पहाड़ के ऊपर उनकी मजार है। चलिए चल के देखते हैं।